हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मेकअप ट्यूटोरियल यूजिंग मेबेलिन फिट मी प्रोडक्ट्स। सो मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ मैं अब मेरा बेस मेकअप लुक शेयर करूं, क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दी आपका बेस इतना फ्लॉलेस कैसे लगता है, आपका स्किन इतना ग्लोई कैसे लगता है। सो यहां पर मैं ये वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ आ गई हूँ, ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो मेबेलिन के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कि मेबेलिन इज अ वेरी गुड ब्रांड, आपको अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड आई एम श्योर आप में से काफी सारी गर्ल्स के पास मेबेलिन के प्रोडक्ट जरूर होंगे, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ मेरा बेस मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपना बेस मेकअप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, साथ ही आपका मेकअप भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मेरे पास यहाँ पे मेबेलिन के दो प्राइमर्स हैं, तो मेरे पास फर्स्ट जो प्राइमर दैट इज मेबेलिन का फिट मी मैट प्लस पोरलेस प्राइमर। ये वाला जो प्राइमर है, दिस वन इज गुड फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। इसमें आपको एसपीएफ 20 भी मिल जाता है और ये क्लेम करता है कि आपके मेकअप को 16 आवर्स तक लॉन्ग लास्ट करवाएगा। सो मैं आपको दिखा देती हूँ, पैकेजिंग मुझे इसकी बहुत ज्यादा प्यारी लगी है। तो मेरे पास यहाँ पे नोज के अराउंड और यहाँ पे जो अपर चीक्स है, यहाँ पे थोड़े से पोर्स के इश्यूज हैं, तो मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। तो आपको टेक्स्चर भी दिखा देती हूँ, टेक्स्चर इसका काफी अच्छा है, तो ऑयली स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो। तो मैंने इस तरह से मैंने अपने नोज पे एंड अपर चीक्स पे इसको अप्लाई कर लिया है, एंड ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है। अगर आपको एकदम बिल्कुल मैट सा बेस चाहिए, आपको अपने पोर्स को फिल इन करना है, तो आप ये वाला प्राइमर यूज कर सकते हैं। अगेन मैं अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई करने वाली हूँ, तो दिस वन इज मेबेलिन का फिट मी प्राइमर। इसमें दिस वन इज गुड फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, एंड इसमें जो आपको फिनिश मिलेगा दैट इज ड्यूई एंड स्मूथ। इसमें आपको विटामिन ई भी मिल जाएगा, तो जिनको ड्यूई मेकअप पसंद है वो इसको यूज कर सकते हैं, एंड जिनकी ड्राई स्किन है डेफिनेटली वो इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपके फेस को ग्लोई बना देता है। नाउ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कौन सा प्राइमर कब यूज करना चाहिए, तो विंटर्स में आई सजेस्ट कि आप हमेशा ड्यूई प्राइमर यूज कीजिए अगर आपको थोड़ा सा ड्यूई लुक चाहिए तो, एंड समर्स में यू कैन गो फॉर मैट प्राइमर्स। सो इसको मैंने मेरे आईज पे भी थोड़ा सा अप्लाई किया है। इसको हम अपने आई मेकअप के बेस की तरह भी यूज कर सकते हैं, आपको अलग से आईज के लिए कोई प्राइमर परचेज करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन जस्ट सी द ग्लो कि ये इंस्टेंटली आपके फेस को ग्लोई बना देता है। मुझे दोनों ही प्राइमर्स बेहद पसंद आया, तो मैं ये सभी लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी। नाउ इट्स टाइम फॉर फाउंडेशन। सो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन, एंड आई एम इन द शेड 120 क्लासिक आइवरी। तो ये अगेन बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, एंड दिस कम्स विथ क्ले, तो इसमें क्ले की प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल जरा सा जस्ट वन पंप मैंने फाउंडेशन लिया है, आपको जस्ट हल्का सा फाउंडेशन अप्लाई करना है एंड यू आर गुड टू गो। ये फाउंडेशन बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है क्योंकि मैंने इसको यूज किया हुआ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। तो मैंने इसको बिल्कुल डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लेंडिंग। तो मैं यहाँ पे एक ब्लेंडर ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट शोइंग कि कितना इजिली ब्लेंड हो जाता है। सो जस्ट लुक एट इट, माय गॉड, जस्ट लुक कि कितनी अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो रहा है, बिल्कुल भी एफर्ट की जरूरत नहीं है, बहुत एफर्टलेसली ये ब्लेंड हो जाता है। शोइंग कि कितना एफर्टलेसली ये ब्लेंड हो गया है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा फेस पे, बहुत अच्छी तरह से ये मेरे स्किन में अब्सॉर्ब हो गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कंसीलर, एंड आई एम इन द शेड लाइट 10। तो इसको मैं यूजुअल प्लेसेस पे अप्लाई करूंगी एंड आई शो यू कि ये कितना अच्छा कंसीलर है। जस्ट इसको हल्का हल्का सा आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल भी ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है, विच इज ग्रेट। एंड आप बिल्कुल इसको लाइटली जहां कहीं पे भी आपको पैचेस की इश्यूज हैं वहां पे अप्लाई कर लीजिए, एंड इसको अप्लाई करने के बाद अब मैं इसको ब्लेंड करके भी आप लोगों को शो करूंगी। सो विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर आई एम अगेन ब्लेंडिंग इट। सो यू कैन जस्ट सी के कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। दिस इज अ वेरी नाइस कंसीलर, एंड मैं ओवरऑल अच्छी तरह से अपने आईज को कंसील करके आपको शो करूंगी कि ये कितना एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल भी पैचेस नहीं रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहा है। जस्ट सी द डिफरेंस, आपको डिफरेंस यहीं पे विजिबल हो रहा होगा कि कितनी अच्छी तरह से इसने मेरे फेस के जो भी स्पॉट्स हैं उसको हाइड कर दिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर सेटिंग माय मेकअप। तो उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है, द फर्स्ट वन इज दिस मेबेलिन का फिट मी पाउडर। इसमें मेरा शेड 110 पोर्सिलीन जो कि कॉम्पैक्ट के फॉर्म में है, एंड द अदर वन इज दिस मेबेलिन का लूज पाउडर, एंड इसमें मेरा शेड है 15 लाइट।
तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छे पाउडर्स हैं। अगर आपको अपने फेस को बेक करना है, अगर आपको बहुत ज्यादा मैट सा लुक चाहिए, आपकी फेस ऑयली है, सो यू कैन यूज दिस वन। एंड ये जो है आप समर्स में भी यूज कर सकते हैं, आपकी कोई भी स्किन टाइप हो तो। बट क्योंकि अभी विंटर सीजन जस्ट आ चुकी है, तो मैं इस वाले पाउडर को यूज करने वाली हूँ अपने मेकअप को सेट करने के लिए। नाउ दोनों ही पाउडर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा पाउडर यूज कर रहे हैं। नाउ इसकी पैकेजिंग भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, एंड इसमें आपको ये एक एप्लीकेटर भी मिल जाता है। तो इसकी हेल्प से मैं जस्ट थोड़ा सा पिक करके अपने कंसीलर को सेट करूंगी, एंड मैं आपको शो कर रही हूं कि कितनी अच्छी तरह से ये मेरा कंसीलर को सेट कर देगा एंड इंस्टेंटली आपके फेस को ब्राइटन अप कर देगा। सो यू कैन जस्ट सी द डिफरेंस कि कितनी अच्छी तरह से इसने मेरे कंसीलर को सेट कर दिया है। तो इस तरह से मैं पूरे फेस पे इसको अप्लाई करूंगी। सो आफ्टर दिस मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई करने के लिए मेबलिन की क्रीमी मैट लिपस्टिक ले रही हूँ। जस्ट इसको थोड़ा सा इस तरह से अपने हैंड पे ले लूंगी एंड इसको ब्लेंडर की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी, जस्ट यूजिंग दिस बिल्कुल लाइटली। नाउ इट्स टाइम फॉर हाईलाइटर विच इज माई फेवरेट। तो मेरे पास यहाँ पे हाईलाइटर के लिए दो ऑप्शन हैं, दोनों ही मेबलिन के मास्टर क्रोम हाईलाइटर्स हैं। एक में मेरा जो शेड है दैट इज गोल्ड एंड दिस वन इज रोज गोल्ड, तो आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आज मुझे पिंक शेड अप्लाई करने का मन है, बट यहाँ पे मैं आपको दोनों के ही स्वॉचेस दिखा देती हूँ। दोनों ही काफी ब्यूटिफुल से हाईलाइटर है, तो ये आपको थोड़ा सा गोल्डन टिंट में मिल जाएगा विच इज ग्रेट, बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है। एंड द सेकेंड वन विच आई एम गोइंग टू अप्लाई टूडे इज इन पिंक शेड, सो ये भी काफी प्यारा सा हाईलाइटर है। इसका भी शेड बहुत ही ज्यादा प्यारा है, ये थोड़ा सा पिंक टोन में आ जाता है, आपको दिख रहा होगा। तो ये अगेन बहुत अच्छा है। विंटर्स में मुझे पर्सनली पिंक हाईलाइटर्स अप्लाई करना ज्यादा पसंद है, तो मैं आज इसको यूज करने वाली हूँ, रोज गोल्ड वाले शेड को। एंड मैं आपको जस्ट शो कर रही हूँ कि मैंने बिल्कुल लाइट सा हल्का सा पिक किया है एंड दिस इज द पिगमेंटेशन इट गिव्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे काफी ज्यादा पसंद है ये हाईलाइटर। सो इसको हम यूजुअल प्लेसेस पे अप्लाई कर लेंगे एंड आप चाहें तो कहीं पे भी हाईलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स अपॉन यू। बट मैं इसको जस्ट यूजुअल प्लेसेस पे अप्लाई कर रही हूं एंड थोड़ा सा चिन पे भी हम अप्लाई करेंगे। माय बेस मेकअप इज डन एंड जस्ट सी द ग्लो, दिस लुक्स सो नेचुरल एंड बिल्कुल भी मेकअप बहुत विजिबल नहीं हो रहा है। सो आफ्टर कम्प्लीटिंग माई मेकअप मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो आई हैव कम्प्लीटेड माई मेकअप लुक एंड दिस इज माई फाइनल फिनिश्ड लुक। यू कैन सी कितना गॉर्जियस एंड फ्लॉलेस मेरा मेकअप लुक लग रहा है। मेरा मेकअप बेस बिल्कुल सेट है, इंटैक्ट है एंड काफी ज्यादा नेचुरल सा फिनिश दे रहा है। तो अगर आपको भी इस तरह का बेस चाहिए, इतना अच्छा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए, तो आप भी ये सारे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।